तो हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग? जी मैं एकदम बढ़िया, आप बताओ। आई होप आप सब लोग बढ़िया होगे और बढ़िया ही होने चाहिए। हाँ। तो गाइस, आज की इस वीडियो में एक ऐसा प्लेयर अपनी गिल्ड ज्वाइन करने वाला है जो कि हमारा पहला मेंबर होगा गिल्ड का। अच्छा, जिसका मैं गिल्ड टेस्ट लेने वाला हूँ। और वो बंदा आज से 3 साल पहले भी हमारा मित्र था और हमारी सेम टीम में खेला करता था। ठीक है, समझ गया। जब मैं NXTV ज्वाइन नहीं किया था, मतलब वो बंदा बहुत ही पुराना मेरा फ्रेंड है और काफी ज्यादा अच्छा खेला करता था। और आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि चिलेक्स, मैं और ये बंदा, हम लोग एक टीम से NG की टीम से खेला करते थे। आप लोग गैस कर सकते हो ये बंदा कौन होगा और कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। और काफी ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि हम लोग जो गिल्ड बना रहे हैं वो कुछ इंडिया के टॉप गिल्ड के बंदे ऐड कर रहे हैं और कुछ अंडररेटेड बंदे भी ऐड करेंगे, जो कि गिल्ड टेस्ट लाइव में आप लोगों को पता चल जाएगा। मैं भी अपनी गिल्ड टेस्ट लाइव सेकंड चैनल पे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, उसे भी सब्सक्राइब कर लेना। और बढ़ते हैं गाइस अपने गिल्ड टेस्ट की तरफ। क्या ये अपना भाई, मतलब फ्रेंड, गिल्ड टेस्ट क्लियर कर पाएगा? और ये गिल्ड टेस्ट काफी ज्यादा टफ होने वाला है और रियल होने वाला है क्योंकि क्यों? ये जो बंदे हैं ये आने वाले अपने इंस्टा के ब्रॉडकास्ट चैनल से, मतलब जो हमें फॉलो करते हैं और काफी ज्यादा अच्छा खेलते भी है। क्या बात है, तो काफी ज्यादा मजा आएगा। वीडियो को अभी से लाइक कर दो और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बुलाते हैं बंदे को, थोड़ा सा बातचीत करेंगे और बढ़ते हैं कस्टम की तरफ। और हाँ गाइज, आपको बता दूं गिल्ड की रिक्वायरमेंट होने वाली है 65 प्लस का हेडशॉट रेट और गाइज 3.1 प्लस KD होना चाहिए आप लोगों का, अगर आप लोगों को गिल्ड में आना है। ओके। और आपकी एक और रिक्वायरमेंट रहेगी, एक स्पेशल रिक्वायरमेंट ये है कि आप लोगों का कुछ अचीवमेंट होना चाहिए, लाइक आपने CS रैंक में टॉप किया है या फिर किसी टूर्नामेंट में जीते हो या CS रैंक के आप एकदम होनार खिलाड़ी हो। ठीक है। हाँ। तो बढ़ते हैं वीडियो में, लेट्स गो। चलो भाई। तो गाइज, यहाँ पर बंदा आ चुका है जो NG का है और वो ज्वाइन करने वाला है अपनी गिल्ड क्योंकि उसे खेलना है टूर्नामेंट। तो अपन सुनते हैं गाइज भाई के मुंह से ही कि क्यों उन्हें मतलब गिल्ड में आना है। बताओ अनोनी भाई। हेलो। हेलो। हाँ नोनी भाई, तो फिर तुम ये तो बताओ कि तुम्हें NG मतलब NG तो नहीं छोड़ रहे हो, वो आपको लास्ट में या वीडियो के बीच में आप लोगों को पता चलेगा कि क्या सीन है, बट तुम्हें टीम से खेलना है इसलिए आप गिल्ड में आ रहे हो या फिर कोई और रीजन है? हाँ तो सीन ये है ना कि यहाँ पे ना बहुत सारी टीम ऑलरेडी बन चुकी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक न्यू टीम फॉर्म करूँ और उससे स्टार्ट करूँ अपनी ग्राइंडिंग। तो चलो 1v5 के लिए रेडी हो? अरे बिल्कुल भाई। 1v5 या 1v6? अरे जो तुम बोलो भाई। चलो ठीक है, कॉन्फिडेंस तो अच्छा लगा, मैं कस्टम बनाता हूँ, तुम रेडी रहो। मैं बिल्कुल रेडी हूँ। चलो चलो भाई। तो गाइस, कस्टम यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है और ये कस्टम अपन लोगों ने बनाया है अपने गिल्ड टेस्ट के लिए। तो अनोनी भाई, क्या ये गिल्ड टेस्ट पास कर पाएंगे? और ब्रॉडकास्ट में दिया था गाइस इसका ID पासवर्ड, अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, आप लोगों को भी इनके अपोनेंट में खेलने का मौका मिलेगा। और अक्सर मैं ऐसे कस्टम वगैरह में इनवाइट देते रहता हूँ ID पासवर्ड वगैरह। ठीक है, समझ गया। तो देखते हैं क्या अनोनी भाई यहाँ पर गिल्ड टेस्ट पास कर पाएंगे। बहुत तेज है, बॉल बहुत तेज मार रहा है भाई। और ये किधर मार रहा है बॉल, इसका टक गया था शायद, और इसको हेड। शुरुआत तो बढ़िया की है, एक बंदा नॉक है और यहाँ पर बचा है 1v4 की सिचुएशन। लेट्स गो दोस्तों। और यहाँ पर लड़की को मारा, पलट के मार दे भाई, ऊपर है, उसका एम नहीं आ रहा। नाइस, ये भी नॉक, बढ़िया। यहाँ पर 1v3 की सिचुएशन, लेट्स गो, क्या यहाँ पर मार पाएंगे? और एक बंदा रिवाइव हुआ था क्या? यहाँ पर 1v3 की सिचुएशन है, क्या यहाँ पर अनोनी भाई ये राउंड निकाल पाएंगे? पहला राउंड, और पहला राउंड जीतना बहुत ही ज़्यादा लकी लोगों को मिलता है, बट यहाँ काफ़ी प्यारा हेडशॉट यहाँ पर राइ स्टार के द्वारा, काफ़ी काबिले तारीफ भाई का, पलट के मारा है, काफ़ी अच्छा खेल रहा है यहाँ पर राइ स्टार। एक और हिंट देना चाहूँगा आप लोगों को, आप लोग पहले कमेंट करके बताओ, गैस करो, फिर मैं आपको एक और हिंट देता हूँ, फिर उसके बाद एक और कमेंट करना कि ये बंदे का रियल नेम क्या है, NG में क्या नाम से है ये। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा खेल रहा है। नाइस, एक हेडशॉट, बढ़िया भाई, बैक टू बैक दो हेडशॉट, बढ़िया मारा भाई, दो बंदों को दो हेडशॉट। यहाँ पर फॉर्म में आने लगे हैं हमारे बंदे जो हमारी टीम से खेलेंगे। और लेट्स गो, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। और ये तीसरे को भी हेडशॉट, 317 का प्यारा सा हेडशॉट। लेट्स गो, यहाँ पर 1v2 का सिचुएशन है यहाँ पर, बट राइ स्टार अभी भी बचा हुआ है गाइस। राइ स्टार इस बंदे पे निगाहें रहेगी क्योंकि भाई ये जो मारा है लास्ट राउंड में काफी बढ़िया मारा था, पलट के एकदम 360 घूम के जो हेडशॉट मारा है, 180 घूम के, सॉरी। नाइस, राइ स्टार को नॉक। अब ये राउंड पर देखते हैं क्या अनोनी भाई ये वाला राउंड निकाल पाएंगे।
बंदा रिलोड पे है अभी भी गन। नाइस, ये वॉलीबॉल लगा रहा है, ये बंदे नहीं पसंद यार। मार भाई सामने वाले, तुझे रोकना है सामने वाले बंदे को। और रे भाई 311, चलो काफी बढ़िया यहाँ पर खेला और 1-1 का स्कोर कर दिया। चलो यहाँ पर अपन बढ़ते हैं वापस से, और इस राउंड भी डेजर्ट लिए, गन छोड़ दिए, व्हाट नीचे खड़ा है। अरे नाइस, सुपरस्टार तो नॉक है, ये पता नहीं कुछ कर रहा था, देखते हैं क्या अब 1v4 के। यार ये तो फ्री किल, ओए बुबू भाई को तमाचा संभाल दिया यहाँ पर रेड। लेट्स गो, यहाँ पर देखना चाहूंगा मैं क्या राइस्टर यहाँ पर ये वाले राउंड में इस बंदे को फिनिश कर पाएगा। बंदा आया, मिस भाई, बच गया, बट नहीं, यहाँ पर राइस्टर का काफी अच्छा हेडशॉट, 2-1 का यहाँ पर स्कोर है। लेट्स गो, यहाँ पर ओनली डेजर्ट ईगल से बढ़ते हुए, मुझे नहीं लगता डेजर्ट ईगल से राउंड निकल पाएगा। काफी अच्छी चलाता है फिर भी मुझे नहीं लगता, क्योंकि भाई सामने 5 बंदे यार, 1-2-3 बंदे भी नहीं है, 4 भी नहीं है राइस्टर सामने। और यहाँ भाई क्या हेड मार रहा है ये बंदा, मुझे ऐसा लग रहा है राइस्टार वर्सेस अनहोनी चल रहा है यार, जैसे 3 राउंड मारा है राइस्टार ने अनहोनी को। ओरे नॉक सुपरस्टार को, बट नहीं भाई सुपरस्टार को नहीं देखेंगे अपन, हम देखेंगे राइस्टार को। मिस हुआ, बंदा फोन प्लेयर है बट अच्छा खेल रहा है, चाहता हूँ कि कब तक। अरे भाई बंदे की अगर मूवमेंट नहीं होती वो, भाई बढ़िया राइस्टार की यहाँ पर चड्डी खोल दी भाई, हेलमेट खोल दिया मतलब। लेट्स गो, अब चेंज करते हैं यार, उस पे ले जाते हैं डायरेक्ट भी नॉक, यहाँ पर अनोनी को देखना पसंद करेंगे अपन। यहाँ पर 1v3 की सिचुएशन, नॉक बुबू भी नॉक, एनएक्सटी बुबू, और यहाँ पर 1-2 बंदे बचे हैं, तो ऊपर वाले को भी हेडशॉट मार दिया है, और बचा है लास्ट बंदा जिसको भी 166 का हेडशॉट मार दिया है। डैमेज, 1 टैप मिस, नाइस। अरे बढ़िया, चलो एक पहला बंदा यहाँ पर नॉकडाउन ले लिया है, और अभी भी बचे 4 बंदे। लेट्स गो, यहाँ पर चारों को मार के अनोनी भाई 3 ऑल कर पाएंगे या फिर। नाइस, इसका एम स्टक, और गाइस सामने एक पीसी प्लेयर भी है। ओए भाई 2 बंदों को काफी अच्छा मारा है, अब 1v2 की सिचुएशन। लेट्स गो, यहाँ पर मुझे लग रहा है भाई नर्वस होके खेल रहे हैं, क्योंकि सामने जो बंदा है राइस्टर है ना। नाइस, ये बढ़िया था, पीक लेके ऐसे ही मारना पड़ेगा ब्रो तुम्हें। क्या इसे भी 1 टैप, नहीं, और यहाँ खत्म। ये वाला राउंड बढ़िया निकाला भाई, मिस भी किया बट ये राउंड काफी अच्छा निकाला। यहाँ पर 3 ऑल स्कोर हो चुका है, और भाई कुछ इससे 2 राउंड। चलो भाई, क्या M10 का जादू दिखने वाला है यहाँ पर दोस्तों, पीछे बंदा घूम घूम के आ रहे हैं यहाँ पर। M10 देखना चाहूंगा मैं, और यहाँ पर अरे बढ़िया यार, क्या M10 का हेड मार रहा है भाई। अबे नाइस, बहुत गंदा स्पैम चल रहा है, बच गया भाई। स्पीड तो है ओनली रेड, यहाँ पर डायरेक्ट तो थोड़ा सा वीक प्लेयर लग रहा है, बाकी जो राइस्टार और बाकी प्लेयर्स मार रहे हैं। यहाँ पर हेलमेट डैमेज है, वेस्ट डैमेज है, रिपेयर की जरूरत ही नहीं पड़ी। राइस्टार का यहाँ पर हेडशॉट आया और भाई का काम तमाम, और ऊपर चढ़ गया है राइस्टार। राइस्टार पे नजर रहेगी मेरी, क्योंकि राइस्टार ने शायद ऑलमोस्ट सारे राउंड में 1 टैप मारा है, 1 राउंड में 2 गोली मारी थी, बट यहाँ पर काफी अच्छा खेला है, टंग भी स्लिप हो रही है गाइस। नाइस, इसे हेडशॉट भाई, UMP से भी बढ़िया खेल रहा है। नहीं, ओ मिस हुआ भाई, यहाँ पर राइस्टार होता तो काम तमाम था। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कमेंट्री कर रहा हूँ राइस्टार वर्सेस अनोनी वाली। बढ़िया डिसीजन, राइट साइड से घूम के जाओ भाई, रिवाइव दे रहे क्या, उससे भी 1 बंदा नॉक था वो, हाँ रिवाइव दे रहे थे। चलो ये भी नॉक, दोन से खेल रहे हैं। नाइस यार, अब भाई राइस्टार एलिमिनेट कैसे, राइस्टार भाई फायर पावर ही सब कुछ नहीं होता भाई, मूवमेंट कंट्रोल तो करो। नाइस, 1 हेडशॉट, बट क्या डैमेज मार रहे हैं वे, इसे हेड मार। नाइस, अबे ये क्या हेड था राइट साइड भाई, ये काफी अच्छा था, नॉक को भी हेड, बढ़िया। नाइस, 1 नंबर यार, अब तो मजा आ रहा है देखने में। एक बंदा आया, इसे 1 टैप, मैं कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि भाई मैं एक प्लेयर हूँ यार, मैं कास्टर नहीं हूँ, तो देखना पड़ेगा यार क्या होता है यहाँ पर। मैं खेला करता था, मुझे थोड़ी कास्टिंग नहीं आती है। ओए 2 गोली भी मार रहे हैं यहाँ पर बंदे, देखना पड़ेगा, राइस्टार अभी भी है, मेरी निगाहें राइस्टार पे रहेगी, क्योंकि जिस हिसाब से खेल रहा है, बस लास्ट राउंड मर गया था बट यहाँ राइस्टार।
भाई जैसे ही मैंने कहा कि राइस्टार और राइस्टार ने पेल दिया साले कुत्तों की जिंदगी। भाई ये जो राइस्टार है भाई मुझे लग रहा है कोई तो भाई ऐसा अच्छा बंदा आया है जो मतलब मुझे लग रहा है राइस्टार को गिल्ड में ले लेते हैं। अनोनी कैंसिल राइस्टार यस नॉइस। अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ भाई क्या हो रहा है। मैंने अभी इस बार बोला कि अनोनी कैंसिल राइस्टार तो अनोनी ने हेडशॉट मार दिया राइस्टार को पर राइस्टार ने काफी अच्छा खेला मैं तो तारीफ अभी भी करना चाहूंगा। नाइस पीक एंड फायर चाहिए नाइस। अभी तीन बंदे हैं सिर्फ तीन में से नहीं मरना ओनली रेड काफी बढ़िया नाइस वन यार। ये क्या है भाई क्या है ऑफलाइन है या फिर क्या है क्या अनोनी भाई इसे मार पाएंगे मुझे तो लगता मार देंगे वन वी वन तो ये वन ले भाई दे भाई बढ़िया घुमा रहा है बंदा अभी तक तो बढ़िया खेल रहा है घुमा घुमा के खेल रहा है जो कि अच्छी बात है। बट ट्राई स्टार आया यहाँ पर जंप हेडशॉट ट्राई किया ठीक तो यस गाइस फॉलो जरूर कर लेना। नाइस बे प्रमोशन करते रह गया वो ये हेडशॉट बढ़िया मार दिया बढ़िया रिपेयर किट ये आ रहा है सीधा सीधा इसको मारना होगा। नाइस भाई को हवा नहीं है डायरेक्ट भाई को बिल्कुल हवा नहीं है नो एयर फ्रॉम एवरीवेयर फ्रॉम एनीवेयर सॉरी। यहाँ पर अनोनी भाई आगे बढ़ते हैं ये सीधा आ रहा था इसे भी कुछ हवा नहीं है इसका रिफ्लेक्सेस काफ़ी ज़्यादा फास्ट है अपने बंदे का और यहाँ पर ओनली और बंदे को रिवाइव दे दिया है यहाँ पर बुबू भाई ने रिवाइव दे दिया है बट यहाँ पर 1v2 नाइस 1v1 अब तो इजी इजी है मुझे लग रहा है ये राउंड भी यहाँ पर जीत जाएंगे। अटक गया अरे 1v1 और ये खत्म भाई फाइनली ये भी राउंड यहाँ पर जीत चुके हैं। पता नहीं लैग सा कर गया हल्का सा मेरा लेट्स गो वुडपेकर नया कॉम्बो एक और नया कॉम्बो यहाँ पर देखने वाली बात होगी। और ये भैया किधर जा रहे हो इसके पीछे जाके मारा जाए इसे। अरे क्या है राइस्टार को क्या है भाई राइस्टार को हेडशॉट मार दिया मतलब बॉडी शॉट मार दिया हेड मार के। अगर अनोनी भाई तुम्हें ये कस्टम जीतना है तो इस बंदे को मार दो तुम पूरा कस्टम जीत सकते हो तुम किसी से मर ही नहीं सकते तुम अश्वत्थामा हो। नाइस अब ये वाला राउंड मुझे लगता है 50% आ चुका है अनोनी भाई के हाथ में और ये 7-5 से जीत सकते हैं। नाइस इसे भी हेडशॉट है स्पैम मार दे भाई जीतने हारने का सवाल है। नाइस ये भी गया अब 1v2 की सिचुएशन नाइस नाइस मार यही गेम प्ले चाहिए गाइस ये गेम प्ले जो होता है ना टूर्नामेंट में बहुत काम देता है ऊपर चढ़ चढ़ के। और गाइस आप लोग गैस करो ये प्लेयर का नाम क्या है आप लोग और ये जीत गया भाई मैं तो बोल ही रहा था गैस करो। और ये कस्टम रूम यहाँ पर जीत चुके हैं अनोनी और गिल्ड में आ चुके हैं और ये हमारी टीम से खेलेंगे। तो गाइस मैं बताना चाहूंगा इस प्लेयर का नाम है NG Mun 999। हाँ गाइस NG Mun कनाडा जा चुका है जो प्लेयर है ये वो नहीं है इसका भाई है NG Mun का जिसका नाम है विक्की 444 और जो मन है वो कनाडा में रहता है और उसकी आईडी एनजी में है बट विक्की ही उसकी आईडी से खेल रहा है पिछले 1-1.5 साल से। तो विक्की काफी ज्यादा अच्छा खेलता है और विक्की हमारी गिल्ड में आ चुका है जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा। तो गाइस यही था सरप्राइज आप लोगों के लिए खराब हो जाएगा मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी क्योंकि मन की आईडी से विक्की खेलता था इसलिए विक्की ही एनजी में था तो एनजी का प्लेयर ही हमारी गिल्ड में ज्वाइन हो रहा है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो मिलते हैं किसी और एक नई वीडियो में और एक नए प्लेयर्स के साथ या फिर और कोई नए चैलेंज के साथ ठीक है। तो लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। टिल देन टेक केयर बाय बाय सी।